नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। वेबवार्ता में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन से यूरोपीय संघ से अलग होने। हमारे साथ हैं विद दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, ब्रिटेन अगर यूरोपीय संघ से अलग होता है तो इसका देश और दुनिया पर क्या असर होगा? देखिए, सीधे सीधे भारत पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ब्रिटेन की एक बड़ी आबादी भारतीय लोगों की है और वहां पर 10 लाख से अधिक लोग हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो वहां रहते हैं, भारत के कई बड़े कारोबार हैं, टाटा वहां के विदेशी भारतीय निवेशकों में सबसे बड़ा है और टाटा के शेयर कल बुरी तरह गिरे हैं, जैसे पाउंड भी गिरा है। ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन से जो निकासी हुई है, जो बाहर निकलने का जनमत संग्रह हुआ है, ये दरअसल विश्व की एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जैसे उपनिवेश आजाद हुए थे यूरोप के कई देशों के अधीन जो उपनिवेश थे, जैसे भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस तरह का ऐतिहासिक घटनाक्रम है। इसको यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन की आजादी के रूप में देखा जा रहा है और कई लोगों ने उस तरीके से प्रस्तुत भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से देखा जाए कि नहीं उसको लेकर शंका है। लेकिन इतिहास की एक बड़ी घटना, जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हुए थे और बर्लिन में जो बनी थी दीवार दोनों के बीच में वो टूटी थी, उसी स्तर की एक बड़ी घटना है जिसके परिणाम हमें अभी नहीं आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे। भारत को सचेत रहने की जरूरत है। कुछ मामलों में भारत का फायदा होगा क्योंकि कुछ चीजें सस्ती होंगी, पाउंड गिरेगा, उससे वहां पर निवेश करना, वहां पर चीजें खरीदना आसान होगा, वहां की यात्रा करना आसान होगा। लेकिन अगर वहां का व्यापार मंदी के दौर से गुजरेगा तो वहां पर जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी जब कंपनियां खतरे में आएंगी तो वहां पर नौकरियां भी खतरे में आएंगी, तो ये बहुत सारी चिंता के विषय हैं। दुनिया पर जो असर होने वाला है वो ज्यादा बड़ा सवाल है। जो 28 देश मिलकर यूरोपीय यूनियन को, यूरोप को एक संघ के रूप में चला रहे थे, उपमहाद्वीप और देशों के बीच का फासला जिसने कम करने की कोशिश की थी, दरअसल जिस बात को हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की पूरी दुनिया जो है वही एक परिवार के रूप में है, वैसी ही कुछ अवधारणा से यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ था कि वो जो देश हैं वो सब अलग अलग अपनी अपनी मुद्रा चलाने की बजाय, अपना व्यापार चलाने की बजाय आपस में मिलकर एक देश की तरह व्यवहार करें, उनकी भौगोलिक सीमाएं रहें, उनकी अपनी जो सार्वभौमिकता है, जो उनकी अपनी जो देश की मर्यादा है वो बनी रहे, उनका लोकतंत्र बना रहे, उनकी राजनीति और राज जो राजकाज की व्यवस्था है वो बनी रहे, लेकिन उसके बावजूद खास तौर पर व्यापार के स्तर पर वो एक हो जाए जिससे उसका उन्हें फायदा मिले। और जब ये शुरू हुई थी अवधारणा तभी इस पर खूब बहस हुई थी। खुद जब 1972 में ब्रिटेन ने इसमें शामिल होने का फैसला किया था, सब थैचर और उस वक्त के जितने भी बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ थे उनके बीच में एक लंबी बहस चली थी और उसके बाद ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने का फैसला किया था, और आज 42 साल बाद जब ब्रिटेन उससे अलग हो रहा है तो भी एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। कैसे ब्रिटेन के टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल ब्रिटेन में जो लगभग 52% से कुछ अधिक लोगों ने मतदान किया है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, वहीं 48% से थोड़ा सा ऊपर लोगों ने मतदान ये भी किया है कि उन्हें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहना चाहिए। इसमें एक दिलचस्प तथ्य है कि जो युवा हैं उन्होंने अधिकतर यूरोपियन यूनियन में बने रहने के पक्ष में मतदान किया है, और जो अधिक उम्र के लोग हैं, अधेड़ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है कि उनको ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। ये साबित करता है कि जो पुराने लोग हैं जो ब्रिटेन को उस राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं, वो लोग तो चाहते थे कि ब्रिटेन जो है अलग हो जाए यूरोपियन यूनियन से, लेकिन उसको इस फैसले के, उन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को इस फैसले के साथ लंबे समय तक जिंदा नहीं रहना है, इस फैसले और उसके परिणामों को भुगतना है। उन युवाओं को जिन्होंने दरअसल इससे बाहर नहीं होने का फैसला करना चाहता लेकिन उनका फैसला मंजूर नहीं हुआ। दूसरा दिलचस्प तथ्य है कि लंदन, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने यह फैसला दिया है अपने मतदान में कि उनको यूरोपियन यूनियन में बना रहना चाहिए, लेकिन चूंकि जनमत के आधार पर सभी लोग मिलकर यह तय कर चुके हैं और बहुमत इस पक्ष में है कि उनको अलग हो जाना चाहिए, तो अलग होने का फैसले के राह पर चल पड़ा है ब्रिटेन। लेकिन अब इसमें ब्रिटेन के विघटन का भी बड़ा खतरा हो गया है, और स्कॉटलैंड को लेकर एक बार पहले जनमत संग्रह हो चुका है और वो ग्रेट ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहा, लेकिन आने वाले समय में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड जैसे देश इसके साथ बने रहते हैं कि नहीं, वेल्स उसके साथ बना रहता है, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने अगर वहां पर अपने स्तर पर वहां की जनता में बहुमत 62% तक लोग हम देखें स्कॉटलैंड के ये मानते थे कि उनको यूरोपियन यूनियन के साथ बने रहना चाहिए क्योंकि वो उसमें फायदा देखते थे। तो ये सारे बड़े और नीतिगत सवाल हैं। ये फैसला आज हुआ है,
अभी 2016 में हुआ है, इसको पूरा अमल में लाने में 2 साल लग जाएंगे, यानी 2018 के अंत और 2019 की शुरुआत तक हमें समझ में आएगा। खासतौर पर 2019 के आखिर में यूरोपियन यूनियन ने जरूर ताकीद कर दी है ब्रिटेन को कि अगर फैसला हो ही गया है तो ऐसा जल्दी से जल्दी कर लें, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, तब हमें इसके परिणामों के बारे में और पता लगेगा। जयदीप जी, कहा यह भी जा रहा है कि ब्रिटेन वासी यूरोपीय संघ की प्रवासी व्यवस्था से डर गए थे। देखिए, बड़ा नीतिगत और सिद्धांत का सवाल है ये, आपने बिल्कुल ठीक पूछा है कि कुछ लोग जो अभी हमने फ्रांस में आतंकवादी हमले हुए हैं, बेल्जियम में आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद एक लगातार जो प्रवासी वहां पर आ रहे हैं, जो शरणार्थी वहां पर आ रहे हैं, उनका विरोध देखा है। जर्मनी में 31 दिसंबर की रात को जो छेड़छाड़ की घटनाएं हुई और बहुत सारी FIR दर्ज हुई है पुलिस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने की, ये सारी घटनाएं मिलकर एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे रही है जहां पर राष्ट्रवाद फिर एक नए स्वरूप में जन्म ले रहा है। और जो अतिवादी लोग हैं, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, उनका यह मानना है कि हमारा राष्ट्र और उसकी भौगोलिक सीमाएं अक्षुण्ण है, इनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, व्यापार के नाम पर और व्यापार की खातिर भी हमारी अपनी सीमाओं को हमें लचीला नहीं बनाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये इस मतदान में यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला लिया, वो दरअसल ये प्रवासियों की, शरणार्थियों की समस्या और यूरोपियन यूनियन में होने की वजह से उन नियमों को मानने की मजबूरी से दूर होने के लिए ही ऐसा किया है। ये पूरी जो दक्षिणपंथी लॉबी थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा ही उठाया गया विचार था, जिससे परेशान होकर या तंग होकर वहां के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने ये फैसला लिया था कि अगर ये आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन का, तो जनमत करा लिया जाए। और उनको ये आत्मविश्वास था, जिस तरीके से वो इस जनमत के लिए गए थे, जिस तरीके से वो लगातार इसकी वकालत कर रहे थे और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे इस जनमत के पहले, लगता है कि डेविड कैमरून को कहीं ना कहीं भरोसा था कि वो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में बनाए रखने में सफल हो जाएंगे। लेकिन वो शायद ये सब पढ़ने में चूक गए कि किस तरह आम जनता प्रवासियों की समस्या से परेशान है। दूसरा एक और जो बड़ा तथ्य मतदान के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे सामने आया, वो ये है कि जो पैसे वाले लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने तो फैसला ये दिया है कि यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन को बने रहना चाहिए, लेकिन जो मध्य वर्ग है या ऐसे स्थान है ब्रिटेन के जहां पर विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाई है, जहां पर अभाव है, उनका यह मानना है कि विकास की रफ्तार में बड़े शहर तेजी से आगे निकले, लेकिन उन छोटी जगहों का विकास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के साथ बने हुए हैं, तो उनको उससे अलग हो जाना चाहिए। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है, प्रवासियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या केवल ब्रिटेन के नहीं, पूरे यूरोप के लिए अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। एक बात और कही जा रही है कि ब्रिटेन के अलग होने के बाद यूरोपीय संघ पर रूस का कब्जा हो जाएगा, ये चिंता है, ये शुरू से रही है और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी इससे झटका लगा होगा। ब्रिटेन जो है बहुत ही आज्ञाकारी, उसका समर्थक रहा है अमेरिका का, और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन पर अमेरिका का दबदबा लगातार बहुत अच्छे से बना रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन के अलग हो जाने से अमेरिका का एक बड़ा समर्थक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा है। इस वजह से जो रूस को लेकर अमेरिका की चिंताएं थी वो और बड़ी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहां पर अभी जर्मनी मौजूद है, दूसरे और देश मौजूद हैं जो इस संतुलन को यूरोप के पक्ष में, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के पक्ष में और रूस के विरुद्ध बनाए रखने के लिए फिलहाल पर्याप्त हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है विश्व की और इसके जो परिणाम होंगे वो आने वाले समय में जरूर दिखाई देंगे। एक बड़ा परिणाम तो यही है कि जो हम विचारधारा की बात कर रहे थे, शरणार्थियों और प्रवासियों की समस्या अपनी जगह है, एक बड़ी इससे विचारधारा की लड़ाई ये शुरू हुई है कि कायदे से ब्रिटेन के संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कि जनमत समर्थन संग्रह किया जाए और उससे ही नीतिगत फैसले लिए जाएं। स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रिया में तो इस तरह की व्यवस्था है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक बड़ा फैसला जनमत संग्रह के जरिए लिया गया, जहां पर बेरोजगारों को कोई भत्ता देने की बात थी और उन्होंने कहा कि घर बैठे वो फोकट में कोई इस तरह का पैसा नहीं लेना चाहते। ऑस्ट्रिया में एक जनमत संग्रह कई बार होते रहे, उसमें एक बड़ा जनमत संग्रह हुआ था, वहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था और उसके इस्तेमाल को लेकर जब विरोध और विवाद हुआ था तो वहां की सरकार ने जनमत कराया तो लोगों ने फैसला कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग नहीं होना चाहिए तो उसको एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। ये वहां की परंपरा है, लेकिन ब्रिटेन की ये कोई बड़ी परंपरा नहीं रही है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को बनाए रखने के लिए वगैरह जनमत संग्रह हुए हैं। अभी भी एक बड़ा तथ्य मैं दर्शकों को बता दूं कि डेविड कैमरून इस जनमत संग्रह को मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक और नैतिक स्तर पर वो इसलिए बाध्य है कि वो खुद इस फैसले के लिए आगे आकर आए थे और अगर जनता ने अब फैसला दे दिया और उसको नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए ज्यादा बड़ा संकट है। बल्कि उन्होंने जिस तरीके से जनमत संग्रह का फैसला आने के बाद इस्तीफे का फैसला लिया है वो समझा जा सकता है, क्योंकि अगर वो इस पक्ष में ही नहीं है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होकर अपना अस्तित्व बनाए रखे तो फिर कोई और आए उनके पद पर जो इसमें विश्वास रखता हो और वो ब्रिटेन को आगे ले जाए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं इस जहाज का
कप्तान बनकर इसको अगली मंजिल तक ले जाने में सक्षम नहीं हूं, कोई और आए इस जहाज को चलाए, क्योंकि मैं जिस दिशा में इस जहाज को ले जाना चाहता था अब ये जहाज दिशा में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां से विचारधारा का एक बड़ा विवाद ये आया है कि क्या चुनी हुई सरकार ही जनता के लिए जनता के हित के सारे फैसले ले और जनता का वो हित कौन तय करे, या फिर जो भी बड़े फैसले होते हैं महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसके लिए जनमत संग्रह किया जाना चाहिए, क्या ऐसे जनमत संग्रहों से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के लिए चुनौती और खतरा बड़ा है, या क्या हर बार हर जगह हर देश में जनता इतनी परिपक्व और समझदार होगी कि वो हर नीतिगत मुद्दे को लेकर सही राय दे पाएगी, या एक भीड़ होगी जो उन फैसलों को प्रभावित कर देगी और जो समझदार होंगे वो अपना मत हाशिए पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये कौन तय करेगा कि जो वोट देने वाले हैं वो समझदार हैं कि नहीं है, परिपक्व हैं कि नहीं है, जो अपने आप को तथाकथित रूप से समझदार और बुद्धिजीवी मानते हैं दरअसल उनका मत चलना चाहिए, या फिर जो आम जनता है जो वैसे समझदार और बुद्धिजीवी के खाने में नहीं आती लेकिन उसके वोट से निर्णय बदल रहे हैं उसकी ही तवज्जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये बड़े नीतिगत मुद्दे हैं जो इस तरह के जनमत संग्रह के बाद और इतने बड़े फैसले के बाद सामने आएंगे कि क्या लगातार जनता की राय पूछकर ही फैसले लिए जाएं, जो सरकार चुन ली गई है वो जवाबदार है, वो जिम्मेदार है और वो ही लगातार फैसले लेती रहे। ये भी एक बड़ा सैद्धांतिक विवाद इस जनमत संग्रह के बाद जरूर सामने आएगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।